देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि आज शाम बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। गुरुग्राम में ये बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन करेगी पार्टी, और फिर 25 अगस्त को राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। 26 अगस्त को बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है और इस पहली लिस्ट में 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम संभव हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा को लेकर बीजेपी तैयार है, बैठकों का दौर जो शुरू हो रहा है, और ऐसे में वो उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जो 26 अगस्त को आ सकती है, 25 से 30 उम्मीदवारों के इसमें नाम हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाएगा देखना कि शुरुआत में जो नाम सामने आएंगे वो जो मजबूत उम्मीदवार उनके, या फिर जहां पिछली बार नीरज पार्टी पिछड़ गई थी उन सीटों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, अब समय ये नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने सभी पूरे राज्य की हर सीटों पर राय सुमारी के लिए ये बैठक बुलाई है। ये राज्य चुनाव समिति की बैठक है। राज्य चुनाव समिति के सभी वरिष्ठ लीडर्स इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रभारी जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, और स्टेट के जो प्रभारी विप्लव देव, ये भी इस बैठक में रहने वाले हैं। और राज्य के हर जिले से जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो युवा मोर्चा में हों या किसी अन्य मोर्चा में हों या राष्ट्रीय टीम के मेंबर हैं, उन सबको भी जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। आज और कल ये दो दिन बैठक चलने वाली है। शाम को 5 बजे से गुड़गांव के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक होगी और सबसे बकायदा सीट बाई सीट चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी कि आपकी क्या राय है कि इस सीट पर कौन उम्मीदवार दिया जाए। दरअसल इसके पीछे का जो एक्सरसाइज के पीछे का तर्क है वो ये है कि जो पिछले चुनाव में रह गई थी कमियां, उस कमियों को दूर किया जाए और राजकुमारी के जरिए एक अच्छी टीम, एक अच्छे उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाए। जी रोमाना, शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हरियाणा में बीजेपी चुनाव समिति की लेकिन टेंशन बढ़ रही है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी के 6 बड़े नेता हैं, चेहरे आपके सामने हैं। ये 6 बड़े नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इसी वजह से मुश्किल बढ़ा रहे हैं पार्टी की। अब सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी तक एक परिवार से बीजेपी एक व्यक्ति को ही टिकट देती आई है, लेकिन ये नेता जो खुद इस समय किसी न किसी पद पर हैं, विधानसभा चुनाव में अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं, पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल इस समय मौजूद हैं, और जरा समझते हैं रोहित से कि पार्टी का पहले से ही मंत्र है एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, बावजूद इसके लाइन क्रॉस करके अब ये नेता जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसे किस रूप में देखा समझा जाए रोहित? बिल्कुल रोमाना, देखिए बीजेपी के लिए बड़ी इस वक्त चुनौती यही है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। परिवारवाद की राजनीति का विरोध बीजेपी करती रही है, लेकिन अगर बीजेपी को हरियाणा में हैट्रिक बनानी है तो 6 ऐसे बड़े नेता हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं, अपनी बेटी आरती राव के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, और क्योंकि विनेबिलिटी की बात है, जीत की बात है, तो राव इंद्रजीत बड़े नेता है। अहिरवाल क्षेत्र से दक्षिण हरियाणा की अगर बात करें, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, ये जिले उस इलाके में आते हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद हैं और उनका उस क्षेत्र में प्रभाव भी है। इसके बाद अगला नाम नवीन जिंदल, कांग्रेस से बीजेपी में आए, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, अपनी मां सावित्री जिंदल के लिए वो टिकट मांग रहे हैं। सावित्री जिंदल पहले मंत्री भी रह चुकी हैं। चौधरी धर्मवीर, ये भिवानी से सांसद हैं, ये अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए टिकट मांग रहे हैं। ये तमाम वो दावेदार हैं जिनको नकारना बड़ा मुश्किल है प्रदेश चुनाव समिति के लिए, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक और बड़ा नाम कुलदीप बिश्नोई, वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांग रहे हैं। और रोमाना, ये तमाम वो बड़े नाम है जो कि हरियाणा की राजनीति में रसूख रखते हैं, अपना उनका कद है। किरण चौधरी जो कि अभी अभी बीजेपी में आई कांग्रेस से, बीजेपी ने उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही हैं। तो 6 ये बड़े परिवार बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन, किसी की दावेदारी को नकारना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इनमें से किसी की दावेदारी को नकारा जाता है तो बड़ा सवाल है कि अगला कदम इनका क्या होगा।
इसलिए और इस बात को नहीं भूलना चाहिए रोहित सिंह सावल कि इनमें से बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो विकल्प तो जाहिर सी बात है खुले रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट का, उसी के चलते कुछ बीजेपी के पुराने साथी भी, जिस तरीके से कृष्ण पाल गुर्जर हो गए, वो भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए उसी बूते पर फिर टिकट की दावेदारी आगे रखते हैं, और यहां से बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई इन हरियाणा विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपको इस तमाम जानकारी के लिए।